हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गन्नौर स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फल फूल सब्जियां और डेयरी उत्पादन टर्मिनल से कारोबार अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण में एक शेड बनाकर तैयार किया गया है जिसमें 48 दुकानें शुरू की जाएंगी। सीएम ने कहा कि गन्नौर की ये मंडी इलाके में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम ने मंडी में बने शेड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में व्यापारियों, किसानों और ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बेहतर ढंग से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। और इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। आज इसी का एक प्रकार से निरीक्षण करने के लिए मैं आया हूँ और आज जो जानकारी मिली है, अप्रैल तक पहला यहाँ का जो शेड है, बहुत बड़ा शेड एक बन रहा है, 196 मीटर बाई 56 मीटर, उसमें 48 बड़ी दुकानें और उनकी लोडिंग अनलोडिंग, वहाँ पर सारा काम करने के लिए सब फैसिलिटीज़ वो सब तैयार हो